हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में डिटेल्स में रिव्यू करूँगा और बताऊँगा इस पतंजलि दिव्य श्वासारी प्रवाही लिक्विड सिरप के बारे में। बात करेंगे इसके प्राइस, कंपोजिशन, डोजेस, बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जानेंगे ये किन किन लोगों को लेना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में कृपया अंत तक बने रहिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें ताकि हमारा कोई वीडियो आपसे छूटे ना। ये है पतंजलि दिव्य श्वासारी प्रवाही। ये पतंजलि के दिव्य फार्मेसी का एक बेस्ट प्रोडक्ट है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है। इसका प्राइस फ़िलहाल के लिए 80 रुपीज़ है 250 ml बॉटल के लिए। इसमें बहुत सारे जड़ी बूटियाँ जैसे कि छोटी कातली, काला बंसा, सफ़ेद बंसा, बनापसा, तुलसी देसी, छोटी पीपल, सौंठ, सोमलता, तेजपत्ता, भांगरा, दालचीनी, अमलतास, लिसोदा, मुलेथी, काली मिर्च जैसे बहुत सारे जड़ी बूटियाँ डाले गए हैं। इसमें शुगर का इस्तेमाल भी किया गया है। इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव जैसे कि सोडियम बेंजोएट को इसमें एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया गया है, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। ये दिव्य श्वासारी प्रवाही आपको किसी भी पतंजलि स्टोर में या फिर ऑनलाइन में भी आपको ईजिली मिल जाएगा। इसको मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी श्वास संबंधी विकारों में यूज किया जाता है। इसको यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से आप सलाह जरूर ले लें। ये एक इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए। सर्दी खांसी से ये तुरंत राहत दिलाता है। मैंने खुद इसको यूज किया है। इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही इफ़ेक्टिव और जल्दी मिला है। कॉमन कोल्ड में इसका उपयोग किया जा सकता है। फेफड़ों में इन्फेक्शन में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये एलोपैथिक कफ सिरप का एक आयुर्वेदिक सब्स्टिट्यूट है। कफ की प्रॉब्लम के लिए ये रामबाण होता है। ये कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। अस्थमा में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लंग्स को ये प्रोटेक्ट करता है। इसका टेस्ट भी लाजवाब है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम भी करता है। इस दिव्य श्वासारी प्रवाही को मेल, फीमेल, छोटे बच्चे 3 साल से ऊपर वाले सब यूज कर सकते हैं। एडल्ट लोगों को इसका 2 चम्मच 10 ml दिन में 2 से लेकर 3 बार और छोटे बच्चों को इसका 1 चम्मच 5 ml दिन में 2 से लेकर 3 बार खाना खाने के 30 मिनट के बाद लेना फ़ायदेमंद होता है। इसका ज़्यादा ओवरडोज में सेवन ना करें। डायबिटिक लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें शुगर का इस्तेमाल किया गया है। प्रेग्नेंट वोमेन इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। यूं तो इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, पर अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद हुआ है। तो फिर इस वीडियो को लाइक शेयर करें। कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करें, हमें सपोर्ट करें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। हमें मोटिवेट करें। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। आप सभी स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दमदार वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।